करबला के मैदान में मोहम्मद साहब के घर के अफराद पर जितने जुल्म ढाए गए उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मुहर्रम की 10वीं तारीख को इमाम हुसैन अपने जानिसारों के साथ दीन की खैर, हक और सच्चाई को बचाने के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनके ख़ानदान के कुछ लोग अभी भी मदीने में थे जिन्हें करबला के वाक़यात के बारे में खबर ही नहीं थी। इमाम हुसैन की बेटी जनाब सुगरा को जब अपने बाबा इमाम हुसैन, फूफी जनाब जैनब, भाई हज़रत अली अकबर और हज़रत अली असगर की कोई ख़बर ना मिली तो एक सदा गूंजी कि अपने हुजरे में सकीना है ना असगर मेरा, एक मुद्दत से है वीरान भरा घर मेरा, क्या लिखूं आपको हाले दिले सोजां बाबा, अब ये बीमार है कुछ रोज की मेहमा बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। जिसके कानों में भी जाती थी ये आवाज़े हज़ीन, उस कदम घुटता था और सांस रुकी जाती सन्नाटे में, जब ये उजड़े हुए घर से सदा आती थी, मेरे बाबा हसरत कर लूं, कम से कम एक मैं पूरी यही हसरत कर लूं, सिर्फ भैया अली अकबर की जियारत कर लूं, सिर्फ भैया अली अकबर की जियारत कर लूं, मेरे बाबा।
بستر پر سارا احوال مجھے بھیج دے خط میں لکھ کر سارا احوال مجھے بھیج دے خط میں لکھ کر کچھ تو اس دل کا لے کر